20,000 रुपए में आईफोन, 30,000 रुपए में लैपटॉप, 35,000 रुपए में होंडा सिटी 70 बाइक, 18,000 रुपए में डॉलेंस का फ्रिज और 22,000 रुपए में इन्वर्टर एसी ले जाए। लूट के ले जाए सर, लूट सेल लगा दी है। आज से कुछ अर्सा पहले तक हम सुनते थे कि लाहौर में चोर बाजार है, कराची में चोर बाजार है, जहां पे सुई से लेके आपको हवाई जहाज तक सब कुछ मिल जाता है, वो भी इंतहाई कम कीमत पे। फिर हम जैसे यूट्यूबर और आके हमने देर मार 4.5 वीडियोस बनाना शुरू कर दी। कमाल भाई ने लूट सेल लगा दी, अजहर भाई ने तबाही मचा दी, वली भाई ने सबकी वॉट लगा दी और ये सब कुछ तरक्की करता करता ऑनलाइन हो गया। अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें आपको आपके घर बैठे मिल जाएंगी। आपने जस्ट अपना मोबाइल फोन खोलना है और आपके सामने दुनिया पड़ी है, जितना लूट सकते हो लूट लो भाई। अब बहुत सारे लोग इससे लूट चुके हैं, इसका शिकार हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को बताएं, आवाज उठाएं, इसके ऊपर बात करें। और ये आपको स्क्रीन के ऊपर एक कॉमेंट नजर आ रहा है, लंबा सा पैराग्राफ भाई ने लिख दिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अवेयरनेस वीडियो बना ली जाए कि जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। बहुत सारे ग्रुप्स काम कर रहे हैं जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि दुनिया जहान की चीज़ आपको वहां पे मिल रही होती है। मेरे पास भी एक ग्रुप का लिंक है जो कि मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सेंड किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस ग्रुप के अंदर आपको मैकबुक्स मिल जाएंगे, आईफोन मिल जाएंगे, एयर कंडीशनर मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मोटर बाइक्स मिल जाएंगी, हर तरह का सामान मिल जाएगा। और ये सारे का सारा सामान आपको 10-20-30% नहीं बल्कि एक अनबिलीवेबल 90-95% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा होता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक होती है, वो आगे चल के बताऊंगा। ये वो लोग हैं, ये वो वेले मुस्टंडे हैं जिनको हमेशा से ईजी मनी कमाने का शौक रहा है, जिनको हमेशा से रातों रात अमीर होने का शौक रहा है, और ये मुजरिमाना जहनीत के लोग होते हैं। ये करते क्या हैं, दो चार लड़के इकट्ठे होते हैं, दो चार लोग इकट्ठे होते हैं, ग्रुप बनता है उनका, और वो चुप करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर दुनिया जहान से, फेसबुक से, OLX से आपकी तस्वीरें उठा के इस ग्रुप में डालते हैं। ये वो तस्वीरें होती हैं जो मैं, हम, आप सब जो है खुशी के मौके पे, मैंने आईफोन लिया तो उसकी तस्वीर डाल दी, मैंने गाड़ी ली तो उसकी तस्वीर डाल दी, बाइक ली तो उसकी तस्वीर डाल दी, ये वो तस्वीरें उठाते हैं, प्रोफाइल क्लोनिंग करते हैं और ये तस्वीरें उठा के ग्रुप में ला के डाल देते हैं। और अगर 1,00,000 की चीज़ है तो उसका रेट लगा देते हैं ये 12,000 रुपये, 14,000 रुपये। अब ये इनका ग्रुप तैयार हो चुका होता है, उसके बाद ये करते क्या हैं कि ये सारे दोस्त मिलके उस ग्रुप के लिंक को शेयर करना शुरू कर देते हैं और उसको व्हाट्सएप के ऊपर फीचर करवाते हैं, एड्स चलाते हैं, OLX के ऊपर एड्स चलाते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको इनके फीचर एड्स देखने को मिल जाते हैं। और इनके अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से भी ये जो ग्रुप है इसके मेंबर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं कि मैंने इसको सेंड किया, उसने उसको सेंड किया, तो इस तरह से इनके मेंबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। इनका नॉन कस्टम जो स्टोर है वो भी तैयार हो चुका है और उनके क्लाइंट भी तैयार हो चुके हैं। अब इन ग्रुप्स में ज्यादा लोग वो आते हैं जो कि सिर्फ आते तो चेक करने हैं कि यार देखें तो सही इस ग्रुप में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन अपनी जो लालची तबीयत है उसके हाथों नुकसान करवा बैठते हैं, नुकसान का शिकार हो जाते हैं, इनका बंदों का शिकार हो जाते हैं। कि आप फर्ज करें मेरी लालची तबीयत और मुझे 1.5 लाख का मोबाइल फोन है, वो मुझे मिल रहा है 20,000 रुपए में, तो मेरे अंदर का लालची इंसान जाग जाएगा और मैं उस डील में इन्वॉल्व हो जाऊंगा और इन द एंड में अपना नुकसान कर लूंगा। जो कि इनकी वाहिद शर्त होती है कि आपकी पेमेंट एक तो एडवांस होगी और दूसरा हमारी सारी डील जो है वो ऑनलाइन होगी, या फिर ये आपसे डिलीवरी चार्जेस ले सकते हैं, या फिर ये आपसे कुछ एडवांस पेमेंट ले सकते हैं और उसके बाद ये आपको ब्लॉक कर देते हैं, यानी अपनी दुकान ही बंद कर देते हैं आपके लिए, बाकियों के लिए वो चलती रहती है और आपके पैसे जो हैं वो खुडे लाइन लग जाते हैं। अब ये जो ग्रुप्स हैं ये आपको मरूब करने के लिए ये कहेंगे कि ये नॉन कस्टम पेड माल है, ये चोरी का माल है, तो आप अपनी अकल को थोड़ा सा इस्तेमाल करें कि एक तो आप चोरी का माल क्यों खरीदेंगे, कल को किसी आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। वो दूसरी बात ये होती है कि नॉन कस्टम पेड में आप आईफोन लोग लाइनों में लग के उसकी लॉन्चिंग से पहले घंटों लाइनों में लग के खरीदते हैं उसको, इसके ऊपर IMEIs होते हैं, इसके ऊपर SN नंबर्स होते हैं, तो ये कैसे नॉन कस्टम पेड आप ला के चला लेंगे, आपको टैक्सेस वगैरह भी देने पड़ेंगे। और जब ये अगर चोरी का भी माल है तो वो ट्रैक हो जाएगा उसके सीरियल नंबर से, IMEI नंबर से, और इतनी बड़ी कंपनी छोड़ती नहीं है, ना ही ये बाइक्स के चक्कर में ऐसा कुछ होगा, ना ही ये फ्रिजेस वगैरह जो होते हैं उसके, ना एयर कंडीशनर, सबका रिकॉर्ड होता है, आजकल सब कुछ डिजिटल है। तो इतनी बड़ी अगर चोरी हुई है, चोरी का माल आपको बेचा जा रहा है, तो आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें और उससे बचने की कोशिश करें, कल को आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अब साइबर सेल या साइबर क्राइम यूनिट इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, उसकी बड़ी वजह यह है
कि मेरे जैसे लोग जो 20-25 हज़ार का नुकसान करते हैं, एक तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि किस तरह से कंप्लेन करते हैं, दूसरा अपनी शर्मिंदगी के बायस हम लोग कंप्लेन नहीं करते, और अगर कंप्लेन पहुंचती भी है तो ऐसे ग्रुप्स हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, तो ये किस किस के पीछे जाके कार्रवाई करें। तो और इनके लिए आपका 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार कोई बड़ी वैल्यू भी नहीं रखता, तो इसलिए ये कार्रवाई वहीं पर ठप हो जाती है। हालांकि हमारी पुलिस, हमारी इंटेलिजेंस इतनी कैपेबल है कि अगर ये करने पर आए तो इन ग्रुप्स के अंदर जाहिरी बात है आपको सारे एडमिन के नंबर मिल रहे होते हैं, उन नंबर को ट्रैक किया जा सकता है, ट्रेस किया जा सकता है। और इन ग्रुप्स के अंदर बहुत सारे गैर मुल्की बशिंदे भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ग्रुप दिखाया उसमें नाइजेरियन बंदे वगैरह भी शामिल है। तो ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस लोग होते हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई लाजमी तौर पर करनी चाहिए। लेकिन अगर इनको ट्रैक और ट्रेस करने की कोशिश की भी जाए तो कोई ना कोई किसी इदारे में इनका इनसाइडर बंदा मौजूद होता है जो इनको पहले से बता देता है या फिर इनकी डील करवा देता है, और आवाम से पैसा निकाल के ये खुद भी खाते हैं और आगे भी खिलाते रहते हैं। अब इसको अवॉइड करने का, इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने अंदर की लालच को किसी डब्बे में बंद करें, उसको लगाएं ताला, और उस ताले की चाबी जो है वो किसी नहर में फेंक दें ताकि दोबारा आपकी लालच जाग ना सके। या फिर आपको कोई ऐसी अनरियलिस्टिक आपको ऑफर दिखाई देती है जो कि आपकी अक्ल आम तौर पे मानती ही नहीं कि एक मोटरसाइकिल है वो 1,15,000 का है, तो मुझे ये बंदा 20-25-30 हज़ार रुपये में क्यों ऑफर कर रहा है। जाहिरी बात है कोई झोलझाल होगा, कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई लैपटॉप है 5 लाख का, मुझे 50 हज़ार में ये बंदा क्यों दे रहा है। तो ये आपको थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करनी होगी, ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने अपनी लालच को दबाना है और अनरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना है ताकि आप अपने इस नुकसान से बच सकें। किसी भी गैर यकीनी आपको कोई ऑफर देता है तो उसके ऊपर यकीन ना करें, और इन केस आपने यकीन कर लिया, अपना नुकसान कर लिया, तो खुदारा 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 किसी दूसरे का नुकसान ना करें, आगे उसको फॉरवर्ड ना करें ताकि उसका नुकसान होने से बच सके। मजीद आपका कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा है या आपने किसी को बचाया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।